ट्रेन में यह गोल हिस्सा क्यों लगा है? आपने ट्रेन में सफ़र एक न एक बार जरूर किया होगा, तो आपको इस चीज़ से वाकिफ जरूर होंगे कि ट्रेन में यह गोल हिस्सा क्यों लगा होता है। आपने बचपन से सुनते आया होगा कि यह चुंबकीय हिस्सा होता है जो ट्रेन को पकड़ रखता है, लेकिन यह चुंबक नहीं होता, इसे साइड बम्पर भी कहते हैं और यह एक तरह का सस्पेंशन की तरह काम करता है। इस सस्पेंशन का मेन काम होता है झटके को रोकना। जब ट्रेन चलती है या रुकती है तो स्क्रू तब डिब्बे को जोड़ने वाले में इस समय को झटका जो लगता है, जिस कारण डिब्बे में बैठे हुए यात्री को काफ़ी झटका लगता है, उसी झटके को कम करने के लिए ये बम्पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा जब ट्रेन मुड़ती है या स्लो होती है तब ये बम्पर बहुत काम आता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रेन के पीछे और आगे के हिस्से में यह गोल चीज़ क्यों लगा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ।